पहुंच चुके हैं जोली ग्रांट में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं एक पहाड़ से रिलेटेड एक कैफ़े है देहरादून में। सो गाइज, तो अभी फिर से हम पहुंच चुके हैं मोतीचूर के फ्लाई ओवर पर, और जो हरिद्वार का सबसे लंबा फ्लाई ओवर है ये। सो गाइज, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रायवाला में, और हमारे राइट साइड में है रायवाला का रेलवे स्टेशन। सो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं नेपाली फार्म के पास, और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा तो हम ऋषिकेश गए थे, तो ऊपर फ्लाई ओवर के ऊपर से गए थे, और आज हम जा रहे हैं देहरादून। तो अभी हम लेंगे लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट में जा रही है ये रोड देहरादून के लिए, और सीधा जाती है ऋषिकेश। और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल कैफ़े है पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड। सो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास जो देहरादून में है। सो गाइस, तो फाइनली अभी टाइम जो है शाम का 5:30 बज चुका है, और अभी हम पहुंच चुके हैं जोली ग्रांट में, और अभी सामने आप देख सकते हो तो यह है थानो रोड, और अभी चल रहे हैं हम आगे पहाड़ी स्टाइल कैफ़े एक। तो विशाल का फ़ोन आया था कि विशाल ने फिर से बोला था कि चलते हैं शाम को एक फिर से एक नई लोकेशन देखते हैं, और फिर क्या था मैंने कहा चलो फिर एक नई व्लॉग और बनाते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम एक पहाड़ी स्टाइल कैफ़े करके कोई कैफ़े है, तो विशाल ने देखा है, मैंने तो देखा नहीं है, और अभी जैसे जैसे चलते हैं आगे दिखाते रहेंगे आपको। तो देख सकते हो आप कितनी सुंदर सी लोकेशन है, और अभी हम जा रहे हैं कैफे के पास। दीनदयाली, हाँ ये दीनदयाली का दीदी, ये दीनदयाली इसको इसलिए एक बार। सो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं दीनदयाली कैफे में। तो ये है इस कैफे पे जाने का रास्ता, तो देख सकते हो आप कितना एडवेंचर से भरा है, और बारिश के बाद तो अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ का। जा रहे हैं प्रकृति की गोद में, भाई आगे है ना कैफे रोड है कि नहीं बता। तो गाइस देख सकते हो आप, हमें कैफे मिल चुका है यहाँ पर, और निकले थे अभी हम कैफे की तलाश में, और ऐसा लगा हमें रास्ते में कि हम भटक चुके हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। और आगे देख सकते हो आप ब्यूटीफुल से पहाड़ और कैफे। सो गाइस, तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दीनदयाल कैफ़े में, और देख सकते हो आप इस जो कैफ़े है कितना नेचर की प्रकृति में है, बिल्कुल जो कैफ़े बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। तो बड़ी मुश्किल से मिला हमें ये, पहले तो हमें ऐसा लगा कि कहीं हम यहाँ पर खो तो नहीं गए, पर देख सकते हो आप तो ये है यहाँ पर कैफ़े। और चलते हैं अभी इसके अंदर और दिखाते हैं आपको क्या है इस कैफ़े के अंदर ख़ास। सो गाइस, तो ये है इस कैफ़े के एंट्रेंस, तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या स्पेशल है इस कैफ़े के अंदर। सो गाइस, तो देख सकते हो आप इस कैफ़े के अंदर एंटर होते ही हमें हमारे पहाड़ी वादन ढोल दमाऊ देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा है इस कैफ़े का। तो ये पहली एंट्रेंस है इनकी, तो यहाँ पर बाहर भी बैठने का है। और पूरा जो ये कैफ़े है पूरा पहाड़ी कल्चर दर्शाया गया है इसमें, हमारा जो हमारा पहाड़ी संस्कृति है। तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और इधर
सो गाइस, तो अभी अंदर एंटर हो चुके हैं और यह है इस कैफ़े की सेकंड एंट्रेंस। तो यहाँ पर भी जो है आप बैठ करके पहाड़ी अंदाज में पहाड़ी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ पहाड़ी टच दिया गया है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ का मेन्यू और क्या क्या है इस कैफ़े के अंदर। तो यहाँ पर सारी पहाड़ी व्यंजनों का मेन्यू लगा हुआ है, सवाले वगैरह, चाय, सब कुछ मिल जाता है। और यह है यहाँ पर हमारे पारंपरिक जो ओखली वगैरह होती है, पहाड़ी दालें वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पर आप ख़रीद भी सकते हो जिनको जो इच्छुक होते हैं। और ऊपर जो है ये मक्का टंगे हुए जिस तरह हमारे पहाड़ों में टंगाई रहती है। और अंदर यहाँ पर पहाड़ी कलाकारी को दर्शाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है इस कैफ़े का। सो गाइस, तो भी आप इधर देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर पहाड़ की पहाड़ी जो हमारी कंडी वगैरह होती है और लकड़ी की ओखल वगैरह, और इधर रखे हैं हमारे तांबे के बर्तन जो हमारे पहाड़ी पारंपरिक बर्तन होते हैं। और अभी चलते हैं आगे इस कैफ़े की जो तीसरी एंट्रेंस है, तो इसमें भी किस तरह इन्होंने पहाड़ी अंदाज में इस घर को डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब इस कैफ़े को, और कितनी सुंदरता के साथ ये कैफ़े नज़र आ रहा है। तो जो लोग भी शहर में रहकर अपने पहाड़ को मिस करते हैं, वह इस कैफ़े में आकर के अपने पहाड़ का आनंद ले सकते हैं और पूरा पूरा फील मिलेगा आपको इस कैफ़े में। सो भाई, तो देख सकते हो अब यहाँ पर अंदर बैठने के लिए भी है, तो जिन लोगों को अंदर बैठना पसंद है तो यहाँ पर बैठकर भी पहाड़ी फूड का आनंद ले सकते हैं। और चलते हैं फिर बाहर की तरफ और देखते हैं क्या क्या स्पेशल है यहाँ पर आप सभी को दिखाने के लिए। सो गाइस, तो हमने भी यहाँ पर अपना पहाड़ी फूड मंगा लिया है। तो यह है मूंग की दाल के पकोड़े और भांग की चटनी। सो गाइस, तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई, तो देख सकते हो आप यहाँ पर जो ये हट है, तो इसके अंदर है ये योगा हॉल। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह कर सकते हैं। बारिश पड़ रही भाई। सो गाइस, तो अभी 6 महीने यहीं पर बच चुका है और देखते देखते जो यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो चुकी है। तो बस अब इस पहाड़ी अंदाज में बारिश ना होए तो फिर क्या मज़ा इस जगह पर आने का। तो देख सकते हो आप ऊपर बादल कितने घने आ चुके हैं और बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर। और अभी चलते हैं फिर से नीचे की तरफ और चलते हैं फिर अभी उस वाले टेरेस पे, उधर के लिए जाना पड़ेगा हमें दूसरी सीढ़ी से। तो चलते हैं अभी फिर ऊपर दूसरे वाले टेरेस पर और दिखाते हैं आपको यहाँ पर भी क्या ख़ास है। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चुन चुन करके पहाड़ की जो बारिश संस्कृति होती है, एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पर इकट्ठा करके रखी है। डोली है जो दुल्हन को ले जाया जाता है पहाड़ों में विदाई के टाइम पर। और इधर यहाँ पर हम पूरे पुराने रेडियो वगैरह और सुराई हो गई, हुक्का हो गया, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, तो जो चीज़ पहाड़ों में हमारे पहले चला करती थी। और यह है ऊपर से इस कैफ़े का व्यू। और अभी चलते हैं फिर छत पर और दिखाते हैं टॉप से कि कैसा व्यू रहता है यहाँ से पहाड़ों का और इस कैफ़े का। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। सो गाइस, तो आ चुके हैं अभी हम इस रिज़ोर्ट के टॉप पर, तो देख सकते हो आप यहाँ से वो सुंदर नज़ारा, तो वो है जॉली ग्रांट। सो गाइस, तो ये था देहरादून का डींडियाली रिजॉर्ट, तो ये पड़ता है जॉली ग्रांट में। और अभी बारिश यहाँ पर हो चुकी है तो अभी हम भी निकलते हैं घर की तरफ।
सो गाइस तो अभी चलते हैं नीचे और उतरते हैं फटाफट से, और निकलना है अभी हमें हरिद्वार के लिए। और टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है और घर पहुँचते हुए लग रहा है कि अंधेरा हो ही जाएगा, और बारिश भी जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो बस ये था यहाँ का दीनदयाल कैफ़े, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। आपको भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो गाइस तो अभी टाइम जो 6:30 यहाँ पर हमें बच चुका है, और आप देख सकते हो बारिश भी अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से हमने थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करा, और अभी बारिश जो है थोड़ी हल्की हो चुकी है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए, तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें। तो देख सकते हो आप कितनी प्यारी लोकेशन है, और जिस किसी को भी यहाँ पर अगर आना होगा तो लिंक जो है मैं इस लोकेशन का वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत ही अच्छी सुंदर लोकेशन है, और जिस किसी को भी अपने पहाड़ी कल्चर से मतलब देखना है वगैरह, फूड वगैरह खाने का इच्छुक है जो, तो इस लोकेशन पर आ सकता है और पहाड़ी व्यंजनों का आनंद उठा सकता है। तो अभी चलते हैं हम घर की तरफ, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक सुंदर सी नई लोकेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो गाइस तो देख सकते हो आप बारिश के बाद जो ये लोकेशन है और भी ज़्यादा निखर कर आ चुके हैं यहाँ पर।